नमस्कार दोस्तों, जो ये वीडियो है, आज की वीडियो है डीसीए प्लान के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति हमारे इंस्टीट्यूट में है, अगर डीसीए कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी करने आता है, तो हमें कैसे उसकी इंक्वायरी स्टार्ट करनी चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको क्या चीज़, आपका क्या कोर्स करना है आपको? डीसीए डीसीए। अच्छा, अभी रिसेंटली आप क्या आप स्टडी कर रहे हैं, किस क्लास में आप? 12th पास आउट। अच्छा, किस 12th में, किस सब्जेक्ट? आर्ट्स, कॉमर्स? आर्ट्स। अच्छा, तो आपने सोचा है कि डीसीए में आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, या मुझे बताना पड़ेगा आपको? आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे एक डीसीए प्लान का एक कोर्स है। ठीक है, ये फ्लायर्स है जिसमें डीसीए प्लान के बारे में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, कंप्यूटर में दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, एक होता है डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है वो 3 से 6 महीने, 8 महीने के कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, जिसमें आप एक या दो कोर्स कर सकते हो, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स का जो मेन जो करते हैं वो नॉलेज के लिए करते हैं, या छोटी मोटी जॉब स्टार्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो 1 साल का होता है कम से कम, जिसमें 12 महीने की ड्यूरेशन होती है, जिसमें आप 3 से 4 कोर्सेज कर सकते हैं। इस कोर्स का जो यूज होता है वो होता है करियर के लिए, एक अच्छी जॉब को पाने के लिए। जैसे आप अगर डिप्लोमा करते हैं तो इस कोर्स को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, एमएनसी कंपनी में कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में कर सकते हैं, लिमिटेड कंपनी में कर सकते हैं, या किसी एनजीओ या संस्था के अंदर अच्छी पोस्ट को पाने के लिए आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं कि हम ये भी पूछते हैं कि साथ के साथ कि इस डीसीए कोर्स की वैल्यू क्या है। हमने ये तो बता दिया कि सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, फिर अब बता दिया हमने कि भाई डिप्लोमा को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके सेक्टर्स बता दिए। अब हम वेरियंस करना चाहेंगे, बताएंगे कि बच्चे को ताकि ये पता चले और ज़्यादा लगे कि डिप्लोमा बेहतर है। जैसे वेरियंस बताएंगे कि एग्जाम्पल देंगे कि मार्केट के अंदर एक जॉब आई हुई है और उस जॉब को पाने के लिए 5 लोग इंटरव्यू देने गए हैं। एक को बेसिक आता है, एक को ग्राफिक आता है, एक को अकाउंटिंग आती है, एक को टाइपिंग आती है। ठीक है, और 5 वाले बच्चे को ये सारे ही कोर्स आते हैं क्योंकि उसने डिप्लोमा कर रखा है। तो आपके हिसाब से बॉस किसको सेलेक्ट करेगा? 5 वाले को, क्योंकि बॉस को मालूम है कि यदि मुझे इन 4 बंदों को रखना पड़े, बेसिक वाले को, ग्राफिक वाले को, टाइपिंग वाले को, टैली वाले को, तो कम से कम 10,000 रुपये देना पड़ेगा, तो 40,000 रुपये से देने पड़ेंगे। और आज के इस महंगाई वाले दौर में हर बंदा चाहता है कि कम पैसे में टैलेंटेड बंदा हमारे पास में आए, तो वो 40,000 रुपये खर्च नहीं करेगा, वो उसी डीसी वाले व्यक्ति को 15 से 20 हज़ार में आधे से कम सैलरी के अंदर रख लेगा, हायर कर लेगा। क्योंकि कंपटीशन के टाइम में हर बंदा चाहता है कि टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड बंदा कम सैलरी में आ जाए, तो ये इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा जो कोर्स है, अब हम कोर्स की बात करते हैं। ये तो हमने बता दिया, ताकि माइंड मेकअप करना बता दिया कि बच्चे को डीसीए प्लान और सर्टिफिकेट प्लान में क्या अंतर है और क्या उससे बेनिफिट वो ले सकता है मार्केट के अंदर। आप बताते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ कोर्सेज हैं, ये हमारे पास कुछ कुछ कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 के करीब कोर्सेज हैं। इनमें से बच्चों को हम कहते हैं कि अपने हिसाब से वो 3 से 4 कोर्स सेलेक्ट करें जिसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन 12 महीने की होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास में ऑफिस ऑटोमेशन है ये, लेकिन ये बात उसको बतानी नहीं है बच्चों को, पूरा के पढ़ पढ़ के निदानी है। आपको कहना कि आप अपने हिसाब से, आपने जैसे पता चला बच्चे को कि वो आर्ट्स का बच्चा है, 12th पास कर रखी है उन्हें, आर्ट्स का बच्चा है या ग्रेजुएशन का बच्चा है, उन्हें आर्ट्स का रखी है, तो आप उसे सीधे बोलो एक बेसिक का कोर्स करेगा, ग्राफिक का करेगा, एक टैली का कर ले। क्योंकि आर्ट्स के बच्चे को मार्केट के अंदर क्या करना पड़ सकता है, ऑफिस असिस्टेंट का काम करना पड़ सकता है, मैनेजमेंट का काम करना पड़ सकता है, डाटा एंट्री का काम करना पड़ सकता है, या ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना पड़ सकता है, या किसी भी छोटी मोटी कंपनी के अंदर एज ए अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट वो लग सकता है। तो ये पैटर्न, ये 3 कोर्स हैं, बेसिक, ग्राफिक, टैली। ठीक है, अब बच्चा बोलता है मैं जी मैं बीकॉम का बच्चा हूँ, या मैंने कॉमर्स साइड से 12th का पास करके, या मैंने ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में हूँ, तो उस बच्चे को आप सेलेक्ट करोगे बेसिक कोर्स, टैली कोर्स, बीजी कोर्स और टाइपिंग। ठीक है, डिप्लोमा इसमें होगा। मैंने आपको पहले बता दिया आर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्या है, बेसिक है, ग्राफिक है, टैली है, और कॉमर्स वालों के लिए बेसिक, टैली, बीजी, टाइपिंग और ये डिप्लोमा आता है। अगर ठीक है, ये यहाँ पर मोस्टली 2 बच्चे आते हैं। तीसरा साइंस स्ट्रीम का बच्चा अगर आपके पास में आ जाता है, तो साइंस वाला बच्चा कहता है सर मैंने ना कॉमर्स किए ना आर्ट्स किए, तो साइंस वाला बच्चा भी ऑटोमेटिक आप उसे आर्ट्स वाली फील्ड में ले आना, क्योंकि साइंस वाले बच्चे के लिए कॉमर्स तो है नहीं, तो सीधे उसे आर्ट्स वाला फंडा बता देना, बेसिक, ग्राफिक, टैली। ठीक है, आप ये बता सकते हो। तो बच्चे को बाद में, चाहे वो बच्चा बाद में चेंज कर ले, तो उसको उसके हिसाब से बता सकते हो आप। ठीक है,
इसके बाद आप बताओगे बेनिफिट ऑफ डीसी कोर्स, इसके और बेनिफिट क्या हैं अगर आप हमारे पास से करते हो। तो हमारे पास में कुछ रेडीमेड कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे इस तरफ नीचे लिखे हुए हैं, आपको ये चार पांच बारी अच्छे से रिवाइज करना है ताकि स्पीड से बताना है हमको, ठीक है। पे ओनली 40% इंस्टॉलमेंट इन 12 मंथ, मतलब कि 12 महीने में केवल आपको 40% अमाउंट पे करना है, वो 12 किस्तों के अंदर, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है अपने हिसाब से 3 से 4 कोर्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर। तीसरा बेनिफिट, यदि कोई कोर्स आपने चालू किया और हफ्ते 10 दिन में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे बदल सकते हो, ठीक है, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। पांचवा बेनिफिट हमारा, ये चौथा बेनिफिट हमारा, हमारा जो सेंटर है ISO सर्टिफाइड सेंटर हमारा, ठीक है। पांचवा बेनिफिट है फ्री पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन वाला प्रोवाइड नहीं करता है। हम लोग 20 से 25 हज़ार की ट्रेनिंग होती है, सेशन जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं लाइफ, ठीक है। और छठा बेनिफिट है लाइफ टाइम सपोर्ट, जो भी कोर्स आपने हमारे पास से किया है उसी चीज से रिलेटेड हम लाइफ टाइम सपोर्ट आपको देंगे ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा हो, आप चाहते हो कि सर मुझे ऑनलाइन समझ ही नहीं आ रहा, मैं ऑफलाइन आकर समझना चाहता हूँ, तो वो हमसे टाइम लेकर अपॉइंटमेंट लेकर कितनी बार भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इंक्वायरी के समय होगे तो आपकी स्पीड उतनी होनी चाहिए कि 5 मिनट के अंदर उसे कोशिश करें, फिर आप मौका देखोगे, सिचुएशन देखोगे, कब आपको धीरे बोलना, कब तेज बोलना, कोई ज्यादा बोलना, कोई 4 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल एक जोड़ना है, वो आपको प्लस माइनस करना पड़ो, ठीक है। यहाँ तक आपको बता देना। अब बात करते हैं फीस की, कि डिप्लोमा कोर्स की फीस क्या होती है। तो आप बताओगे सबसे पहले कि जी इसकी एक्चुअल कोर्स की फीस, इसे बोलो एक्चुअल, ताकि उसको पता चले कि एक्चुअल फीस कुछ और है। एक्चुअल कोर्स की फीस डिप्लोमा की जो है वो 30,000 रुपये कोर्स की फीस है, उसको बड़ा लगेगा। अब आपको क्या करना है उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, कि बट इस कोर्स का एक हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एनजीओ के अंदर। जैसे ही आप एनजीओ में 800 रुपये का एक फॉर्म भरते हैं तो वो एनजीओ वाले आपके टोटल कोर्स की फीस का 60% अमाउंट हमें पे करते हैं 1 साल बाद। अब उसे ये लगे कि यार एक छोटा सा फॉर्म भरने से 60% अमाउंट सरकार हमें देगी या एनजीओ देगी, ठीक है। तो एनजीओ आप बताओगे आपके 30,000 में से 60,000 रुपये एनजीओ देगी, 18,000 रुपये आपको पे करने हैं, 40% 12,000 रुपये, 12,000 रुपये भी आपको 12 किस्तों में पे करने हैं, ठीक है, ताकि उसका वजन धीरे 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 कम होता रहे। अब 12 किस्तों में पे करना है, वो भी 1,000 रुपये के हिसाब से पे करनी है। अब नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि जो आपकी पहली फीस होगी वो होगी 1,800 रुपये की। जैसे वो 1,800 क्या सर आपने तो अभी 1,000 रुपये बोला था, कि हाँ बिल्कुल सही है, 800 रुपये एनजीओ की फीस, यहाँ पर टिक लाइन खींच दोगे, 800 रुपये एनजीओ की फीस और 1,000 रुपये मंथली फीस, दोनों मिला के पहली फीस आपकी 1,800 रुपये होगी और फिर 11 किस्तें आपकी 1,000 रुपये के हिसाब से चलेंगे आपकी, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रोसेस बता दिया। अब इसके बाद आप उसको ना एक ऑफर और बताओगे कि यदि आप ये वन टाइम पेमेंट करते हैं 12,800 रुपये आपके पूरे साल के कोर्स की फीस आपकी, ठीक है, अगर ये 12,800 रुपये वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ और बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे कि 2 महीने की फीस आपकी कम हो जाएगी, आपके जो 1 साल में लगने वाले 3 असाइनमेंट होते हैं तो वो आपके टोटल उसकी कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी 600 रुपये, 200 रुपये के नोट असाइनमेंट अगर, ठीक है, और लास्ट में एग्जामिनेशन फीस 300 रुपये होती है, वो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी वन टाइम पेमेंट करने। आपको सिंगल रुपीज भी पूरे साल में पे नहीं करना किसी भी चीज़ का शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर आप ये वन टाइम पेमेंट करें। फिर एक शब्द और बोलना है, जैसे करेंगे बाकी आपकी चॉइस है, जो आपको सही उचित डिसीजन लगे आप वही करना, वन टाइम पेमेंट या मंथली पेमेंट, जो आपको इजी कन्वर्ट लगे आप उसे करना। यहां तक हमारा जो है डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। अब डिप्लोमा जैसे कंप्लीट होता है तो उसके बाद उससे पूछो कि क्या आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन, वो बोलता क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करना है, उसके सवालों को जवाब देना आपको, ठीक है। तो इसके बाद आता है फिर कि चलो आपने सवालों के जवाब दे दिए, लास्ट में आता है हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे कि जैसे ये खत्म हुआ सीधा इंस्टीट्यूशन पूछे सवाल कुछ है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएंगे। ये हमारा ठीक है पैम्पलेट है, ब्रोचर्स है, इसके अंदर लास्ट में हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा है, आपको वही पढ़ पढ़ के आपको उनको बताना है, बार बार पढ़ने से दिमाग में रट जाते हैं, स्पीड से बताना है कि हमारा इंस्टीट्यूट सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, डेली 1 आवर क्लासेज है मंडे टू फ्राइडे, और साथ में लिखा सैटरडे संडे हमारा सेंटर बंद रहता है, ठीक है, और डेली प्रैक्टिकल होगा, डेली टाइपिंग होगी, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं कराते हम लोग, ठीक है। अगर वो डिप्लोमा कर रहा है जिसमें बेसिक आ रहा है, अगर टैली वाले केस में अगर आता है तो 1 वीक का थ्योरी होती है, उसको पहले बताना है खाली, ठीक है। फिर आपको बताना कि अगर आप कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो हर असाइनमेंट के बाद आपका एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन और मॉक टेस्ट इस तरह का टेस्ट होंगे, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आप जो पैसे दे रहे हो, जो समय लगा रहे हो, एक्चुअल में आप कितना सीख पा रहे हो, ठीक है।
एक पीसी पे एक ही स्टूडेंट बैठता है और एक स्टूडेंट को एक ही टीचर पढ़ाता है, ठीक है। लास्ट में फाइनल एग्जामिनेशन फीस लगेगी आपकी, अगर आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हो तो लास्ट में एग्जामिनेशन फीस 300 रुपये है। 300 रुपये सबमिट करने के बाद आपका एक फाइनल एग्जाम होगा, उसके बाद 15 दिन में आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा बनकर आ जाएगा, वो आपको दे दिया जाएगा। आपको लाइफटाइम सपोर्ट है, प्री पीडी क्लासेस, ये सब आपको बता दिया है। एडमिशन प्रोसेस के लिए 3 फोटो, एक आधार की कॉपी, एक मार्कशीट की कॉपी जिसकी फ्रंट बैक कॉपी हमें व्हाट्सअप करनी है, 3 फोटो हमें हाथ में देनी है आपको, ये उनको बोलना है। इसके बाद पन्ना पलट के फ्रंट पेज पे आ जाओगे हम पर, फिर आप बताओगे कि यदि हमारे यहाँ पर कोई ऑफर चल रहा है तो हम ऑफर को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद ट्रायल वाला बताएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि सर यदि आप सेम डे इंक्वायरी, जैसे आज आपने इंक्वायरी ली और आज ही एडमिशन करवाते हैं तो पहले महीने की फर्स्ट मंथ की फीस में 200 रुपये आपके कम हो जाएंगे, या फिर जो साथ में ऑफर है कि 200 रुपये कम करवा लीजिए, या अभी रिसेंटली हमारा जो ऑफर चल रहा है कि सेम डे इंक्वायरी सेम डे एडमिशन पर आपको 1000 रुपये की स्मार्ट वॉच अल्ट्रा वॉच आपको गिफ्ट दी जाएगी। अब आप 200 रुपये कम करा सकते हो या 1000 रुपये की स्मार्ट वॉच ले सकते हो, एक तो ये है। दूसरा, या आप चाहें तो पहले 2 दिन की ट्रायल क्लास आप पहले ले, जब आपको अच्छा लगे, मजा आए, तसल्ली हो, तब तीसरी क्लास में आपको फीस सबमिट करनी है, ठीक है। अब आपने चाहे पहले ऑफर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया या 2 दिन के ट्रायल वाला आपने कोर्स ट्रायल करने के बाद आपने एडमिशन लिया, दोनों ही कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि तीसरी क्लास में फीस सबमिट करने के बाद आप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उस कंडीशन में आपको 7 डे, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डे मनी बैक गारंटी है, आपसे कोई किंतु परंतु कोई सवाल नहीं पूछेंगे, सीधे पैसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं आपका और हमारा समय बहुत कीमती है, ठीक है। तो ये हम उनको बता देंगे कि 7 डे मनी बैक गारंटी है और लाइफ टाइम सपोर्ट है। हमारे पास से जो बच्चे गए हैं वो इस मार्केट में 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं, तो हम जानते हैं हम क्या वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक बार ना मुझे बेसिक के बारे में इसमें जो है ना वो वाला एक्सप्लेन कर दो। मैं बेसिक अगर मैं बताता हूँ आपको, ये वीडियो जो डिप्लोमा की थी ये डिप्लोमा तक हम से करते हैं, इसके बाद मैं आपको बेसिक की डिटेल आपको दोबारा देता हूँ।